नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति आपका कुकिंग को इनकरेज करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिसल पाव। मिसल पाव बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप स्प्राउटेड मूंग, 1 मीडियम साइज के आलू मैंने चोको शेप में काट लिया है, 1/2 कप इमली की पाल, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 4 टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, 8-10 कारी पत्ता, 1 टीस्पून लहसुन चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, नमक आप आपके स्वाद अनुसार यूज़ कर सकते हैं, 1/2 कप नमकीन फर्शन, 2 प्याज चॉप कर लिया है, 1 नींबू की जूस चाहिए, 1 पिंच हींग, 4 हरी मिर्च चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 कप चॉप किया हुआ धनिया पत्ता, 1 सर्विंग स्पून रिफाइंड ऑयल। मैंने एक कुकर गरम कर लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 सर्विंग स्पून ऑयल। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग, राई और कारी पत्ता। अब मैं डाल रही हूँ जीरा, जीरा थोड़ा सा भून गया है। अब मैं डाल रही हूँ लहसुन, लहसुन पिंक कलर हो गया है। अब मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, प्याज को डाल के मैंने 2 मिनट सौते करूँगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, टमाटर के बाद आलू, स्प्राउट, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गए हैं, अब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, फिर से और एक बार मिक्स करेंगे। और इसको स्लो गैस पे 2 मिनट मैंने भून लूँगी। 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है, अब मैंने इसमें डाल रही हूँ नमक, नींबू की जूस, इमली की पाल और 1 कप पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको कवर करूंगी। और 4 सीटी लगाऊंगी। चार सीटी हो गए हैं, अब मैंने गैस को ऑफ कर रही हूँ और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, अब मैंने इसको चेक करूंगी। आलू और सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। मिसल पाव रेडी हो गए हैं, अब मैंने एक सर्विंग बोल में इसको ट्रांसफर करूंगी।
अब मैं सर्विंग करने से पहले इसके ऊपर चॉप किया हुआ प्याज दूंगी, धनिया पत्ता डालूंगी। अब मैं तीखा वाला नमकीन फरसान डाल रही हूँ। मिसल पाव रेडी है, इसको पाव के साथ सर्व करते हैं। मिसल पाव रेडी है, आप इसको घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरा कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।